बिल्कुल भी शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का होम साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। इसको मैं आज सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। आपको बता दूँ हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना होता है। 20 तारीख को ये परीक्षा हुई है, इसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, आंसर की बताऊंगा। 40 इंपॉर्टेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न है आवास की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ हाउस, यानी आवास की आवश्यकता क्यों होती है। स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करता है आवास, क्रियाशीलता के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। उपयुक्त डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलाभदायक। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था मकान की विशेषता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस, नींव से बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, छत दीवार फर्श ये इन सभी से बनता है मकान, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर आर यानी बनावट का उदाहरण है, कोमल चिकना छिद्रयुक्त तीनों बनावट के ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों का डी करेक्ट आंसर, मतलब कि तीसरे का डी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपसाधनों के चुनाव के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो उप चुनाव मतलब उपसाधन जो होते हैं उसके चुनाव के निर्धारक तत्व कौन से, देखें कौन कौन से होते हैं भाई, बिल्कुल अभिव्यक्ति, रेखा और आकार, रंग, इन तीनों तत्व होते हैं प्रकार से उपसाधनों के चुनाव करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो कौन सा था भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पाँचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है उपसाधन के प्रकार हैं, ठीक है, तो देखिए चित्र, दर्पण ये दोनों जो हैं उपसाधन के ही प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवे का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंतरिक सज्जा में गृहिणी लय को प्राप्त कर सकती है, बताएं इन इंटीरियर डेकोरेशन होम मेकर कैन, ऑप्शन रिदम बाई, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आकार में वृद्धि और अनुक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विच लैंड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर हाउस, भवन निर्माण के लिए कौन सी जमीन उपयुक्त नहीं होती। देखिए रेतीली और पथरीली भूमि जो है ये भवन निर्माण के लिए उपयोगी मानी जाती है, चूना और मैग्नीशियम युक्त भूमि भी उपयोगी हो सकती है, चिकनी भूमि जो है कम उपयोगी होती है, खास करके भवन निर्माण के लिए जहाँ पर भवन बनाया जाता है वहाँ पर चिकनी मिट्टी अगर है तो थोड़ा दिक्कत की बात होती है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दलदली भूमि या चिकनी भूमि जो होती है वो खास करके, तो वही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दलदली होती तो दलदली लगाते हैं, लेकिन चिकनी दिया हुआ इसीलिए उसको लगाएंगे, दलदली है नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फैक्टर अफेक्टिंग हाउस प्लानिंग आर, आवासीय योजना को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आवासीय योजना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से भाई। जब आप घर बनाते तो आमुख यानी जो मुखड़ा होता है उसका घर का कैसे हो, घर में बृहदता की बात हम देखते हैं, एकांतता, सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बृहदता। क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं बृहदता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बृहदता, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौवे का। और ये परिभाषा दी थी किसने, साने महोदय ने ये परिभाषा दी थी बृहदता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्टिज, कला का आधारभूत तत्व है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रेखा कला का आधारभूत तत्व है। आपको बता दूं इससे पहले देखिए रेखा और रंग ये दोनों होते हैं लेकिन रेखा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लॉ ऑफ रिलेशन इज रिलेटेड टू, संबंधों का नियम संबंधित है, तो संबंधों का जो नियम है वो अनुपात से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारवा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है डैश का अर्थ है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी, सामूहिकरण का अर्थ है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएगा, ग्रुपिंग, ठीक है। और ये परिभाषा दी थी देश पांडे महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरहवा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है निजी आवास के लाभ होते हैं, फटा यानी एडवांटेज ऑफ सेल्फ ओन्ड हाउस आर,
मतलब जो निजी आवास होते हैं उसके आर्थिक सुरक्षा, धन की बचत, अत्यधिक सुविधा सब होती है। इन सारे प्रश्नों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का। अगला प्रश्न है, आवास का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं, परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, भौतिक विशेषताएं और यातायात की सुविधा, इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू रट विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, रट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है, तो पैटर्न डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुपात संतुलन बल, ये रट के अनुसार डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। 16वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन एनी डेकोरेशन फोकल पॉइंट इज, किसी सज्जा में आकर्षण बिंदु होता है, तो किसी सज्जा में आकर्षण बिंदु जो होता है वो अनुपात से होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बैलेंस इज रेस्ट आर रिपोज स्टेटमेंट इज, संतुलन विश्राम या स्थिरता है, कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, ये कथन रट महोदय का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17वें का ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18वां नंबर प्रश्न देखिएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन, यानी प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, एक प्रकार से इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा क्या है, अनौपचारिक रूप से दी गई शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कम्युनिकेशन इज आ, संचार एक है, सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20वां नंबर प्रश्न है, कल्चरल एंड फॉल्क एड्स आर, सांस्कृतिक व लोक साधन है, कठपुतली, ड्रामा, लोक गीत और नृत्य, ये सब सांस्कृतिक और लोक साधन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द रिसीवर, टाइप्स ऑफ रिसीवर आर, संचार प्राप्तकर्ता के प्रकार हैं, तो संचार प्राप्तकर्ता के प्रकार कौन से हैं भाई, बिल्कुल धैर्य पूर्वक सुनने वाला, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 22 नंबर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, संचार के प्रकार हैं, मौखिक अमौखिक दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी एंड दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, संचार के लक्षणों को जिस शब्द से व्याख्यायित किया जाता है वह है, तो संचार का जो शब्द है जिससे व्याख्यायित करते हैं वो कॉमन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें इस शब्द नहीं दिया गया है, वो शब्द है कम्युनिको, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे संदेश के गुण होते हैं, महत्वपूर्ण, स्पष्ट और विशिष्ट होता है अच्छा संदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बगल में काम चल रहा है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ हो रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, प्रभावी मौखिक संचार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला कारक है, संचार के प्रति अभिवृत्ति, बोलने का प्रभावशाली ढंग और सुनने की शक्ति, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी चीज़ें अनिवार्य हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, सफल संचार के लिए उत्तरदायी तत्व है, संचार कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान, तीनों इंपॉर्टेंट तत्व है सफल संचार के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, तो लैटिन शब्द से किस शब्द से हुई भाई, लैटिन शब्द जो है संचार, देखिए कम्युनिकेशन, तो एक प्रकार से कम्युनिको शब्द से हुई है, COWMUNICO, ये एक प्रकार से इस शब्द से हुई है, COWMUNICO, ठीक है, इससे बना हुआ है आपका संचार शब्द, एक प्रकार से कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्ट्रिप्ट एंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न, स्ट्रिप चार्ट को क्या कहते हैं, स्ट्रिप चार्ट की अगर बात की तो ये प्रश्न थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस पर थोड़ा संशय है, बाकी अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, पोस्टर होते हैं तो पोस्टर कैसे होते हैं भाई, 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टर सिंगल ग्लास पेड पोस्टर, स्टाफ एंड स्टडी पोस्टर, सामान्य व आकर्षक पोस्टर, ये सब होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं, यानी कॉमन फीचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, बताएं, यह एक अविरल शिक्षा है,
अनुभूति आवश्यकताओं की ओर लक्षित होती है। कार्यक्रम में लचीलापन भी होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से फ्लैश कार्ड इज यूज फॉर फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है, बताएं फटाफट से। फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्तिगत भी, छोटे समूह के लिए, बड़े समूह के लिए, सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से विच वन इज ऑड, निम्न में से असंगत चुने। देखिए रेडियो, टेलीविज़न और ग्रामोफोन, ये तीनों लगभग एक सा है। टेप रिकॉर्डर थोड़ा दूसरा काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संचार का माध्यम नहीं, रेडियो, टेलीविज़न और कॉन्फ्रेंस, ये तीनों जो हैं ये संचार के माध्यम, जबकि डेस्कटॉप जो है ये संचार का माध्यम नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, एलसीडी का पूरा नाम क्या है, एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में है उसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1873 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन वर्कर आर, प्रसार कार्यकर्ता की विशेषताएं हैं, विषय का ज्ञान, कार्य कुशलता, संचार कौशल, तीनों का परम आवश्यक होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है लीगन्स के अनुसार प्रभावी सीख हेतु कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू लीगन्स ला मेनी एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज कॉल्ड, स्वयं के साथ संचार कहलाता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संचार, यानी कि व्यक्तिक संचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसार शिक्षा के पहलू क्या है, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, बताएं प्रसार कार्य, प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास, तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विजुअल एड्स आर, दृश्य साधन होते हैं, प्रक्षेपित अपरक्षित दोनों होते हैं, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा 40 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसके आंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग मिला लीजिएगा कितने प्रश्न आप सही करके आए हैं, ओके। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।